ओम शांति। थैंक यू बाबूलाल भाई। आइए, हमारे बीच परिवार के वरिष्ठ पहुंच चुके हैं, जोरदार पूरे उमंग उत्साह के साथ आप स्वागत करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का विधिवत आरंभ दीप प्रज्वलन से करेंगे। अनुरोध है अमरदीप भाई, विद्वेश्वरी भाई, बाबूलाल भाई और चुनेश भाई जी से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत शुभ स्वागत है, शत स्वागत है। अनुरोध है आदरणीय ब्रिजवन भाई जी से कि आज के इस अवसर पर अपने मन के भाव हमारे समक्ष रखें। ब्रिजवन भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा के हनुमान के प्रांगण में आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 मना रहे हैं। अभी अभी मैं बाबा की मुरली पर के आया हूँ और सारी मुरली का सार योग का सार है। बाबा ने कहा है तुम्हारा एक ही काम है, एक ही विधि है, एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी बनने की, और वो है अपने को बिंदी आत्मा समझकर मुझ परमात्मा बिंदी को याद करो। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। विश्व के सभी राष्ट्रों में हमारे अंग्रेजी में हमारे रहने जाते हैं और उनको विशेष निमंत्रण से बुलाते हैं, तो राजयोग का कमेंट्री द्वारा वहाँ हम लोगों को सिखाते हैं। और हमारे राजयोग में थोड़ा सा ये एक कमी थी कि शारीरिक भी हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमारे ब्रिजवन भाई जी ने बताया। तो हम लोगों को भी ये बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी इसको भी एक अपना राजयोगी जीवन का एक अंग बना लिया है। और एक संकल्प जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और वो स्वप्न भी शिव बाबा हम बच्चों द्वारा ही कराएगा, वो नज़र आ रहा है। सारे विश्व की जो नज़र अब भारत पर है, तो इसीलिए आप इसी तरह से इस बात को भी ध्यान रखते हुए कि इस कार्य को भी भारत को विश्व गुरु बनाने का समय भी आ चुका है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। ओम शांति। प्रथम योग गुरु ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए आज हम विशेष विश्व योग दिवस पर हम सभी समस्त ईश्वरी परिवार के भाई बहन योग अभ्यास कर रहे हैं। ये हमारा परंपरा आगे भी अच्छी रीति से चलेगा। इसके आधार से सारे विश्व में बाबा को प्रतिष्ठित करने का ये एक मौका है, और योग से ही हर प्रकार की शुद्धिकरण होगा। पहले हमारा मन बुद्धि संस्कार होगा, उसके बाद पर्यावरण प्रकृति होगा, उसके बाद कल्चर होगा, उसके बाद हर परिस्थिति में हमको विजयी बनेगा। इसके लिए आप सब लोग विजयी रहते हमको विजयी बहुत अच्छा। एक बार ऊपर करने जाएगा, एक बार नीचे, क्रॉसिंग एक्सरसाइज। फिर साधारण पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ सामने, अंगूठा नीचे, मुट्ठियों को बांधे, कोहनी को बेंड करेंगे, पश्चिम के प्रॉब्लम इससे दूर होगा। किस तरह से खींचेंगे ये कोर, गुड। ग्रीवा चालान, शोल्डर चालान आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं घुटने चालान।
उनको नहीं, घुटने के प्रॉब्लम उनके लिए बहुत ही बेटर होगा। दोनों हाथ ऊपर झुक जाएंगे, घुटने पर हाथ के पंजे रख लेंगे, पर अटेंशन प्लीज, एक फुट की दूरी होना चाहिए पैरों के बीच में, ऐसे चिपका के नहीं रखना है, टच नहीं करना है, एक फुट की दूरी होना चाहिए। अब धीरे से वृत्ताकार रूप में घुमाएंगे घुटने चालान का पहला स्टेप। एंटी क्लॉकवाइज भी लेंगे, यस। फिर सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएंगे, घुटने चालान का सेकंड स्टेप। फिर दोनों हाथों पर घुटने पर हाथ के पंजे रख लेंगे, धीरे से ये वाला पोज हल्का सा प्रेशर डालेंगे, ये पोज। अब हम चलते हैं घुटने चालन का थर्ड स्टेप, दोनों हाथ कमर के ऊपर, ये वाला पोज। अपनी क्षमता अनुसार यस, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं अगला स्टेप, दोनों हाथ सामने, घुटने चालन का धीरे से इस पोज में झुकेंगे, जैसे झुक जाएंगे एरिया हो जाएंगे पंजों के बल पर, यस। धीरे धीरे श्वासों को लेते उठ जाएंगे, फिर सावधान पोजीशन, फिर दोनों हाथ सामने, घुटने चालन का अगला पोज, फिर झुकेंगे, मसल सेल्स भी स्ट्रांग होगा, ज्वाइंट पेन भी नहीं होगा आपका। एक स्टेप और बचा है आपका घुटने चालन का पंपिंग एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? जिन्होंने साइकिल चलाए थी, एक बार हाथ खड़ा करें, देखना चाहता हूं क्या बात है। मसल सेल्स की स्ट्रांग होगा, ज्वाइंट पेन के प्रॉब्लम, घुटने प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। एक पैर पीछे एक पैर आगे, पंजे पंजे डालेंगे, ये वाला पोज। जैसे आपने साइकिल चलाया तो साइकिल में हवा जरूर आ रहा होगा, ये पोज। ये
पत्थर निकालिए। यस एंटी को पाइप भी लेंगे। बहुत अच्छा कमर ज्वाइंट का अगला स्टेप भी ले लेंगे। लेफ्ट हाथ से राइट हाथ की कलाई को